वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम 10th के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। 10th का फर्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और फर्स्ट टॉपिक जो है वो भी कुछ इस तरह से है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आर इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं बाय डेफिनेशन बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पे हमने लिखा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर मींस रियल नंबर, वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हाट इज ए, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जो कि हमारे पास इस फॉर्म में हो, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस मींस दैट कि हमारे पास तमाम के तमाम ऐसे इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में है वो क्वाड्रेटिक होंगे, या अगर इस तरह के फॉर्म में ना भी हो कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि उस वो इक्वेशन सेकेंड डिग्री का भी हो, और सेकेंड डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये टर्म जीरो के बराबर आ गए तो इसका तो कुछ इस तरह का फॉर्म बनेगा कि बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको फिर मल्टीप्लाई कर भी लें तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर से फिर जीरो आएगा, तो इसलिए हमने डेफिनेशन पे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, कंडीशन लगाया था ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन दैट कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो के बराबर आ जाए तो ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन बन जाता है, और लीनियर इक्वेशन आप लोग 9th में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। और एक और डेफिनेशन है एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 हो, तो ऐसे तमाम इक्वेशन को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन वेरिएबल अगर हमारी एक्स है तो विद वन वेरिएबल, अगर वाई भी है तो विद टू वेरिएबल, अगर जेड भी है तो विद थ्री वेरिएबल, इस तरह से जाती है। यहां पर हम एग्जांपल लिखते हैं 2x² + 3x + 3 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन का थोड़ा बहुत यहाँ पे वो मिलजुल हो सकती है, मतलब दोनों एक ही फॉर्म में है तो इसको बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, लेकिन अगर बच्चों को ये कहा जाए कि -x² इज इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो क्या कहते हैं कि भाई नहीं है, अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यही इसी इक्वेशन वाला फॉर्म जो है उसको वो कहते हैं कि क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्यों? क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर्म में भी है, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी जीरो नहीं है, पॉजिटिव 2 है, और इक्वेशन भी है, तो दिस मींस दैट कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहां पर यह डिग्री 2 है। ठीक, सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं 2x² + 3। अब बाज बच्चे इस तरह से कहते हैं रीजन में कि 3x, इसमें तो वो x वाला टर्म है ही नहीं। अरे भाई x वाला टर्म है लेकिन वो तो जीरो है। ठीक, मतलब इस इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहे तो कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 2x². अब यहां पे x का जो कोफिशिएंट है वो जीरो हम लिख लें, 0 × x + 3 इज इक्वल टू जीरो, तब बच्चे समझ जाते हैं कि ओए सर 0 × x तो फिर जीरो, अब जीरो को जीरो की जगह पे कोई मायने नहीं है तो हम लगाते ही नहीं है, लेकिन जहां पे जरूरत होती है तो वहां पर हम बच्चों को लगाते हैं। अब -x² = 0, बाद बच्चे ये भी कहते हैं कि भाई ये तो एक्स स्क्वायर खाली है तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, लेकिन ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन जनरल फॉर्म, जिस तरह के यहाँ पे दिया गया है इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको भी, यहाँ पे हम अगर जनरल फॉर्म के फॉर्म में लिख लें तो -1x² + 0x + 0 = 0, अब जनरल फॉर्म होगी, लेकिन वो अलग बात है कि इसका जो एक्स कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है वो जीरो है, वो अगर जीरो हो भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वाड्रेटिक को, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, या सोल्यूशन को इन अदर वर्ड हम रूट्स भी कह सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं फिलहाल आप लोगों के टेक्स्ट में, कौन कौन से हैं, बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड वन बाय कंप्लीट एक्स स्क्वायर, थर्ड वन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब इन तीन तरीकों से पहले आपने ट्राई करना है बाई फैक्टराइजेशन, क्योंकि एक आसान तरीके है और दो तीन मिनट में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर इस पे क्वेश्चन नहीं होता कंप्यूटिंग स्क्वायर पर ट्राई कर लो, अगर इस पे भी क्वेश्चन नहीं होता तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला पे हर किस्म का क्वेश्चन हो सकते हैं, इस पे ना भी हो इस पे ना भी हो, लेकिन जब आप बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला उसको ट्राई करोगे तो उस पर वो क्वेश्चन मस्ट होगा। देखिए बच्चों स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बाई फैक्टराइजेशन के साथ यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, कंप्यूटिंग स्क्वायर के साथ यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है, इसके साथ हमने एक एग्जांपल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्वाड्रेटिक का फार्मूला जो है उसको हम डिराइव भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिराइवेशन के साथ साथ उस पर क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन और इस एग्जाम्पल को भी हमने सॉल्व करना है बाई कंप्यूटिंग स्क्वायर। तो अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में रफ पेज पे हल करके उससे पिक्चर निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे आपने वो पिक्चर निकाल के कमेंट सेक्शन में वो आपने लगानी है ताकि मुझे पता चल सके कि भाई आपको आते हैं। तो अगर नहीं आते तो भी कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिल्यूट कर लूँगा, मैं इसको हल कर लूँगा। फिर भी अगर कोई मसला आ रहा है बुक में जहाँ पे भी हो, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर से हो, फोर्थ फिफ्थ से हो सकता है, एट से हो सकता है, टेंथ से हो सकता है, जिस चैप्टर में भी अगर कोई मसला हो तो नए वीडियोस के कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा और मुझे आगाह कीजिएगा। अगर कोई किसी भी टॉपिक में आपको मुश्किल आ रही है तो इंशाल्लाह हम बेशक वो मुश्किल दूर करेंगे, करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है आपके एक कमेंट से आपका मुश्किल दूर हो जाए। मुझे इजाजत दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दो एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे, इसको डिराइव भी करेंगे और इसके साथ साथ इसके एक क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो। थैंक यू सो मच।